નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયાના સરદાર સરોવર ખાતે વિશ્વની સૌથી ઊંચી એવી સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ બાદ પ્રવાસીઓના ઘસારાને જોતા ઓઇલ કંપનીઓ દ્વારા 50 જેટલા પેટ્રોલ પંપોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતે આવેલ ઇન્ડિયન ઓઇલ કંપનીના મુખ્ય અધિક્ષક સુનિલ વિક્રમસિંઘે પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રવાસીઓને તેમના વાહનોમાં પૂરતું ઇંધણ મળી રહે તે માટે 50 જેટલા પેટ્રોલ પંપોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. तीनों तेल कंपनियां आईओसी बीपीसी एचपीसी का बेसिक उद्देश्य यह है कि जो 25 नवंबर 2018 को पेपर में एडवर्टीजमेंट आया पेट्रोल पंप लगाने के लिए, उसमें हमारे मीडिया के माध्यम से हम जो आम जनता है उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इसमें भाग लें. हम लोगों ने वेबसाइट बना रखी है petrolpumpdealerchain.in, जहां पे एक आम डीलर इंटरनेट के माध्यम से जा सकता है और वहां पे डिटेल्स को देख के अप्लाई कर सकता है. हम लोगों ने टोटल 50 पेट्रोल पंप एचपीसी बीपीसी आयुष मिला के नर्मदा जिले में दिखाया प्रोजेक्ट किया है, जिसमें आदमी अप्लाई कर सकता है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चालू हो गया है, हम लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग आएंगे. उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एडवर्टीजमेंट को भी रखा गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा उठा सके. पेट्रोल पंप लगाना एक तरह से आपको एक बिजनेस चालू करने के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग मान के चलते एक पेट्रोल पंप की वजह से 50 से 60 जनों को रोजगार मिलता है. केंद्र सरकार का जो मेन उद्देश्य है कि डिजिटल इंडिया का, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस चीज़ में इस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया है. पहले बड़े बड़े एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा जाता था, लेकिन अब चूंकि ये सारा इंटरनेट के माध्यम से, तो आदमी उसमें तुरंत अप्लाई कर सकता है.